देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। डिंपल अपन रणदीप जी बारे गल कर रहे सी ना, देख उन्हां दा ही फोन आ गया। अच्छा तू गल करना, इतना डर क्यों रही है? मैं उन्हां दे नाल की गल करांगी? दिया वो तेरा फियांसे है, जे तू उहदे नाल गल नहीं कर सकती तो उहदे नाल ब्याह किद्दां करेंगी? हेलो दिया। हां जी रणदीप जी। ओ तेरी मम्मी ने फेरियां दा मुहूर्त अग्गे करन लई गल कीती सी ना, ते मैं तेन बस वही दसन लई फोन कीता सी कि मैं पंडित जी नाल गल कीती है ते असी फेरियां दा मुहूर्त अग्गे करन दी सलूशन लभ रहे हां। सो हुण तू अपना मैच भी खेड सकेगी ते फेरियां तो पहला वापस भी आ जाएगी। सच्ची? ये तो बहुत अच्छी खबर है रणदीप जी। मैं बहुत खुश हूँ रणदीप जी। थैंक यू सो मच, तुसे सब पॉसिबल कर देता। वेलकम दिया। वैसे जे ये गल इतनी इंपॉर्टेंट सी ते तैनू नहीं लगता, तैनू थैंक यू दे अलावा मैनू कुछ और भी देना चाहिए? और मतलब और की चाहिए था तुम्हें मेरे ते? टाइम, मैंने अपनी फियांसे नाल टाइम स्पेंड करने नहीं चाहिए था। की? दिया अचानक टेंशन क्यों आ गई? तू समझी नहीं, मैं तेनू मिलन नहीं कह रहा। पर रणदीप जी मैं तुम्हें मिलन नहीं आ सकती। मैंने पता है तू नहीं मिल सकती पर फोन ते तो गल कर ही सकती है। हाँ, असे कल फोन ते गल कर लांगे। कल क्यों दिया, असी हुण वी तां फोन ते ही गल कर रहे हैं। ते तो एक काम करना, मेरे नाल थोड़ी देर और गल कर ले। किथे फस गई मैं भी? और की गल करनी है? मैनू की पता, तू दस की कित्ता पूरा दिन? मैं पहला प्रैक्टिस गई थी, फिर प्रैक्टिस से करा के मैं ज्यादा कपड़े ट्राई किते, बस होता कुछ नहीं। थोड़ी देर पहले डिनर किता सी, हुन बस सोनी जा रही सी। ओके, सो तेनू ब्याह दे कपड़े किद्दा दे लगे? तेनू पसंद आए? ते तू ट्राई करन तो बाद फोटो खिचिया? नहीं, फोटो क्यों खिचनी सी, नाले थोड़े दिन बाद तो ही कपड़े पाने ने ना, फिर क्यों फोटो खिचनी? की गल करा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैनू नहीं नींदर आ रही है, सोन भी नहीं दे रहा। जे नहीं गल करनी तो रख देना। दिया तेनू ट्राई करने तो बाद फोटो खिंचनी चाहिए सी ना, मैं भी तो देखा तू कितनी कुछ सोनी लग रही है। रणदीप जी मैनू ना मेरी मम्मी बुला रहे ने, मैनू जाना पैना है, बाय। दिया गल तो सुन, थैंक्स ट्विंकल, तू मुहूर्त अग्गे करन लई मन गई। You're most welcome, Mr. Fiance. तुहानू पता है, जे तुसी मेरे तो मेरी जान भी मंगदे ना, मैं ओ भी दे देंदी। Because I'm so happy. मैनू तो यकीन ही नहीं हो रहा कि finally साडा ब्याह हो रहा है। You have no idea how excited I am. दिया, तू अचानक फोन क्यों कर दिता? ओ मैंने तो मेरी फोटो मंग रहा सी। मैनू कुछ समझ ही नहीं आया कि कहा, इस करके मैं फोन ही कर दिता। दिया तू सच्ची बहुत फनी है, जे तू हजे उहदे नाल गल नहीं कर सकती तो व्याह तो बाद की करेंगी? अच्छा वैसे उन्हें तेनू फोन क्यों किया सी? असली गल तो मैं तेनू दसना ही भूल गई। उन्होंने मैनू ये दसने लई फोन किया सी कि उन्होंने पंडित जी नाल गल कीती है कि वो फेरियां दा मुहूर्त अग्गे कर देन, ताकि मैं व्याह तो पहला स्टेट चैंपियनशिप दा मैच आराम नाल खेड सका। सच्ची मम्मी दे इस आइडिया करके वंडर ही हो गया। दिया तू अपने व्याह नालों तो ज्यादा अपने मैच लिए एक्साइटेड लग रही है। दिया तू श्योर है ना कि तू रणदीप नाल व्याह करके खुश रहेंगी? इस वक्त मैं सिर्फ गेम पे फोकस कर रही हूँ। मैं रसन हुणे ही फोन करके दस दिया कि मैं स्टेट चैंपियनशिप दा मैच जरूर खेडांगी, मेरी ब्याह करके इस मैच में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तेनू पता है आज सवेरे ना मेरे ब्याह वाले सुन के बहुत परेशान हो गए सी, इसलिए
सब तो पहला मैं उन्होंने ही फोन करके गुड न्यूज देनी है। एक्सक्यूज मी, मेरी स्टूडेंट का कॉल है, कि मैं दिन आल कॉलेज कल कर सकना? या श्योर, आई विल सी यू टुमारो। हाँ दिया, बोल। सर जी, मैं तुहानू ये दसन लई फोन किया है कि मेरे ब्याह करके मेरे मैच विच कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरे फियांसे दा हुणे थोड़ी देर पहले कॉल आया सी। उन्होंने मैनू फोन करके ये कहा है कि उन्होंने पंडित जी नाल गल कीती है कि वो फेरियां दा मुहूर्त अग्गे कर लैणगे ताकि मैं स्टेट चैंपियनशिप दा मैच आराम नाल खेड सका। तुहानू पता है, मैं सुन के बहुत खुश हुई। वैसे सॉरी सर जी, मैं पहला तुहानू ये गल नहीं दस सकी। पर सर, हुण फिकर वाली कोई गल ही नहीं है, हुण सब ठीक हो गया है। बस बस बस, नाभा एक्सप्रेस, होली होली। इन्नी सारी चीजा मैनू समझ नहीं आनी है, आराम नाल। सॉरी सर, मैं तुहानू ये कह रही सी कि हुण मैं स्टेट चैंपियनशिप दा मैच आराम नाल खेड सकदी हां। मेरे फियांसे दा हुणे ही फोन आया सी। उन्होंने मैनू कहा है कि उन्होंने पंडित जी नाल गल कीती है कि वो फेरियां दा मुहूर्त अग्गे करवा लैणगे। इट्स ओके। सर जी, तुहाडे व्याह दा की है? मैं सर कह रही सी कि तुसी भी व्याह कर रहे हो, कि तुहाडा व्याह भी सच्ची मैच वाले दिन ही हो रहा है। तू सब ना सोच, मेरे व्याह करन नाल या ना करन नाल कोई फर्क नहीं पैंदा। सॉरी सर, मैं टेंशन चाके ना थोनू पर्सनल क्वेश्चन पूछ लिया। दरअसल गल ये सी कि मैं सोचा जे तुसे मैच वाले दिन नहीं आए तो मैं कल्ले मैच किद्दा खेडांगी, बस इसलिए मैं पूछ लिया। आई एम सो सॉरी। इट्स ओके, तू ये सब गल्ला छड़, तू सिर्फ गेम ते फोकस कर। साडे कोल ज्यादा दिन नहीं बचे ते कल प्रैक्टिस लई टाइम ते पहुंच जाई। डोंट बी लेट। ओके सर। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर। दिया, रणदीप नालो ज्यादा तो तू अपने कोच सर नाल गल करके खुश लग रही है। दिया, तू श्योर है ना तेनू अपने कोच सर ते क्रश था? नहीं 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 डिंपल, तू ये की कह रही है? ऐदा दी कोई गल नहीं है, मैनू तो उन्हों तो बहुत डर लगता है, इसलिए मैं उन्होंने बारे ये सब सोच भी नहीं सकती। वैसे भी उन्होंने व्याह भी मैच वाले दिन ही हो रहा है। की मतलब थोड़े दोवां दा व्याह मैच वाले दिन हो रहा है? हाँ। वाह यार, फिर तो थोड़े दोवां लिए वो दिन बहुत ही खास है। जिस दिन थोड़ा मैच है उसी दिन थोड़े दोवां दा व्याह है। दिया, मैं तेनू कह रही हाँ, मैनू लगता है कि थोड़े दोवां दा जरूर कोई कनेक्शन है। सारा काम ना फटाफट होना चाहिए है। व्याज ना हुन थोड़े दिन बचे है। तुसी ना सारे सर्वेंट्स नू ना काम वंड दो। एक सर्वेंट नू घर दा काम दे दो, सारी सफाई करेगा ते एक सारी डेकोरेशन करेगा। डेकोरेशन वास्ते जो भी समान चाहिए वो गुप्ता फ्लोरिस्ट तो मंगवा लेना। बीबी जी, तुसी बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं सब संभाल लांगा। हाँ जग्गी जी, वो तो मैनू तुहाडे ते पूरा भरोसा है। पर तुहानू पता है ना, सानू सब कुछ जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। व्याह घर च ही है ते कल तो व्याह दे सारे फंक्शन शुरू हो जाएंगे। मैनू पूरा घर ना टिप टॉप चाहिए। ठीक है। सुनो, लाइट वाला आएगा ना, उन्हें कहना पूरे बनेरे ते लाइट होनी चाहिए है। कोई भी कोना बिना लाइट तो रहना नहीं चाहिए। ठीक है? ठीक है बीबी जी। समायरा बेटा, तू कैटर तो सैंपल मेन्यू मंगवा लेता है? जे नहीं तो आज जरूर ये काम हो जाना चाहिए है। मेनू खाने च ना कोई कमी नहीं चाहिए। ठीक है मम्मी, मैं ताज केटर्स नाल गल कर लिए, अराउंड 12 बजे सारी डिशेस टेस्ट करवाने लिए आ जाएगा। मैं उन्हें टोटल 6 मील कोर्सेज दा किया है ते डिजर्ट दे विच मैं टर्किश आइसक्रीम दा कह देता है, आजकल काफी ट्रेंड में चल रही है। ठीक कीता। ठीक है मम्मी। मॉम, कोई भी डेकोरेटर ना हाउस डेकोरेटिंग ली एग्री नहीं कर रहा। वड्डे वड्डे डेकोरेटर्स नूं ना पहला वेडिंग वेन्यू चाहिए। जिन्ना चिकर वेडिंग वेन्यू डिसाइड नहीं होएगा उन्ना चिकर ना मैं कोई भी डेकोरेटर नूं हायर नहीं कर सकती। रंधावा, एक सूट दे सारे पेपर रख लेते हैं ना? जी डैड। माधवी, सब तैयारियां ठीक चल रही ने? की तैयारियां करनी है जी, असि सानू तो कोई 5-star होटल या रिजॉर्ट ही नहीं मिल रहा। तुहाडे इन्ने लिंक ने, तुसी प्लीज किसी नाल 2-4 फोन करके गल करो ना। माधवी होनी है 10 दिन दे अंदर तू व्याह रखेंगी ते हाल तो यही होना है ना।
ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪੈਲੇਸ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਰੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਬਚੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵੀ ਨਾ ਦਵੇ ਪੈਲੇਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਲੱਬ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲਸ ਨੇ ਰਿਜ਼ੋਰਟਸ ਨੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਿਸ ਨੇ ਦੋ ਚਾਰ ਕਾਲਸ ਕਰੋ ਨਾ ਆਖਿਰ ਲਿਹਾਜ਼ਦਾਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਰਿਜ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੈਲੇਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਧਵੀ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਮੈਂ ਦੋ ਚਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਫੋਨ ਲਗਾਤਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਅਰੇਂਜ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਫਟਰ ਆਲ ਰੰਧਾਵਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਔਰ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਿਸ ਦਿਨ ਕੰਮ ਆਣਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੈਡਿੰਗ ਵੈਨਿਊ ਦਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਹੀ ਲਵਾਂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿਆਰ ਲੁਟਾ ਲਓ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਡੈਡ ਮੈਨੂੰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਓਕੇ ਮਾਮ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰੋ ਦੇ ਵੈਡਿੰਗ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕੋਰੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫਾਸਟ ਟੈਗ ਸਰਵਿਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਕੀ ਭੂਆ ਜੀ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਟੈਸਟ ਐਡਰੈਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਤੋਂ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਹੇ ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜੇ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਨਵਾਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੱਕਦਾ ਤੇਰਾ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫੀਡ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਆਪੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੀ ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਲਾਂਗੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਘਰ ਕੱਢ ਮੇਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਰ ਅਰਜ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੋਡ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਬੁਕਿੰਗ ਲੈ ਲਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹ ਤੇਰਾ ਮਾਮਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਅਰਜ ਰੰਧਾਵਾ ਅਕੈਡਮੀ ਵੱਲੋਂ ਬੈਨ ਜਦੋਂ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਖੇਡ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦਾ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਧੂ ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਕੋਰਟ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਨਾ ਇਹ ਸੰਧੂ ਸਰ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਸ਼ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਸ਼ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਹੁਣ ਓਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਸੰਧੂ ਸਰ ਵੀ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਐਵੇਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ ਨੂੰ ਫੇਵਰ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਬੁਕਿੰਗ ਲੈ ਲਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਨਾ ਰੂਲਸ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਸੰਧੂ ਸਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਰਸ਼ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਉਹਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੱਲੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੇਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰਟ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੋਰਟ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਭਾਵੇਂ ਅਕੈਡਮੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਟ ਯਾਦ ਰੱਖ ਅਰਜ ਰੰਧਾਵਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬੈਨ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੂੰ ਸੰਧੂ ਸਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰ ਅਰਜ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਂ ਇਹ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਫੋਨ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਵਿਡਰੋਲ ਲਈ ਓਹੋ ਬੇਟਾ ਘਰ 'ਚ ਵਿਆਹ ਹੈ ਇੰਨੇ ਖਰਚੇ ਨੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਾਲ ਆਏਗੀ ਤੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕੈਸ਼ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਹੈ ਟੈਂਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੈਟਰਰ ਨੂੰ ਫਲੋਰਿਸਟ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮਮ ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਬਟ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਚੈੱਕ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗੀ ਬਟ ਤੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮਮ ਮੈਂ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਓ ਡੈਡ ਆਫਿਸ ਚੱਲੀਏ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸੁਣੋ ਜੀ
मैं कहना भूल गई, तुसी ना जरा जेके जूलियर्स नु कहना कि जड़ियां ट्विंकल दियां चूड़ियां कड़े ते सेट बनने दित्ते है ना, वो प्लीज मैनु एक दो दिन च दे दे। ए ना होवे ट्विंकल दी चोली च पान वास्ते मेरे कोल इक वी चज दा सेट ना होवे, बस वो सारा कुछ घर ही भिजवा दे। ठीक है माफी, मैं जानते हुए उन्हूं कहता जावांगा। तो और कुछ कहना? तुसी ऐसा की कर रहे हो? तुहानूं इस टाइम अपने रूम में जाके रेस्ट करना चाहिए। अरे मैं बिल्कुल ठीक हाँ, नाले तेनूं पता है घर च व्याह है, जे मैं मंजे ते बह गई ते काम किद्दां होना है। तू मेरी फिक्र ना कर, तेरे व्याह दी खुशी ना मैनूं कुछ नहीं होण देगी। मॉम तुहाडे लई इन्ना एग्जिस्टेंस लेना ठीक नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड। बेटा मैं तो कुछ भी नहीं कर रही, मैं तो सारे दी ड्यूटीज लगा रही हूँ, काम देना सारे ने ही करना है। वैसे भी कल तो व्याह दे फंक्शन शुरू हो जाने हैं, ते मेहमाना ले कुछ तो अरेंजमेंट्स करने हैं ना। मैं इस व्याह नु सिर्फ इस वास्ते हाँ कीती है कि तुहानू कोई हेल्थ इश्यूज ना हो, ते अगर तुसी इस तरह ही तैयारियां भगदे दौड़दे रहोगे ते अपनी सेहत दा कीवें ख्याल रखोगे। सो मॉम प्लीज टेक रेस्ट। मेरे सोने पुत्र मैं बिल्कुल ठीक हाँ, नाले ना तेरे तो ज्यादा ना अपनी हेल्थ दी उन मेनू फिकर है, तेरे आने वाले टाइम से तेरे सोने सोने बच्चे नाल मैं खेडना भी ते है। ओ ठीक है मॉम, बट जिन्ना हो सके तुसी रेस्ट करो और प्लीज स्ट्रेस ना ले। ठीक है अरज। तू जा किथे रहे बेटा? मॉम मैं प्रैक्टिस ले जा रहा हूं, दसो। आज ते दिन भी अरज प्रो प्रैक्टिस ले जा रहे ने, घटो घट हूं तो उन्होंने व्याह ते फोकस करना चाहिए है ना, पता नहीं व्याह तो बाद ट्विंकल दा होएगा की। बेटा कल तो तेरे व्याह दे फंक्शंस शुरू हो रहे ने, घर च सौ काम ने, आज भी तेरा प्रैक्टिस ते जाना जरूरी है। ते जेड़े कपड़े आए पे डिजाइनर तो तू तो भी नहीं ट्राई कीते। अरज ब्रो एक्चुअली ना ट्विंकल दे वेडिंग रिंग भी पेंडिंग पई है। मॉम कह रहे सी कि तुसी ट्विंकल नाल जाके उन्हां दे वेडिंग रिंग नू सिलेक्ट करवाओगे। मॉम तुसी चंगी तरह जानदे हो ए मैच मेरे लिए किन्ना इंपोर्टेंट है, ते इस व्याह दे चक्कर च मैं अपनी प्रैक्टिस मिस नहीं कर सकता। पुत्तर तेरा व्याह है, तू अपने व्याह दी तैयारियां च किद्दां एब्सेंट रह सकदा है? मॉम मैं तैयारियां जरूर एब्सेंट हां, लेकिन फेरे च प्रेजेंट रहूंगा। फेरे च प्रेजेंट रहूंगा। ऐना तुहाडे लई काफी है, सो प्लीज लेट मी गो। सर ऐ सब जानबूझ के कर रहे हैं, उन्हें क्या मैं कोर्ट च प्रैक्टिस करके रवांगा, ऐदा वो मैनू कोर्ट च प्रैक्टिस करने लई रोक नहीं सकदा। सर मैं तुहाडा गुस्सा समझदा पर सर तुसी मेरी भी मजबूरी समझो। मयंक सर इत्थे दे सैक्रेटरी ने, उन्होंने मैनू साफ साफ कहा है कि मैं थोनू कोई भी बहाना मार के कह दूंगा कि अकैडमी का कोई भी कोर्ट खाली नहीं है। ते सर एदे च मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मैं हेल्पलैस हाँ सर। कोई गल नहीं इंद्रपाल जी, एनी इन्फॉर्मेशन देने लई थैंक यू, मैं देखना मैं की कर सकता। ठीक है सर टेक केयर, बाकी सर मेरे वालों थोनू ते थोड़ी स्टूडेंट नू बेस्ट ऑफ लक। दिया आई डोंट थिंक सो असी अज भी अकेडमी प्रैक्टिस कर सकांगे, क्योंकि जदों तक उत्थे मयंक है
वो सानू प्रैक्टिस लई अलाउ नहीं करेगा। कोई गल नहीं सर जी, असि जिथे रोज प्रैक्टिस करते सी अज भी उथे प्रैक्टिस कर लांगे। नाले तुसी तां कहा सी कि औखे हालात प्लेयर्स नू होर स्ट्रोंग बनांदे ने। तुसी वेखना असि उथे प्रैक्टिस करके ना मैच विच वंडर कर देना है। वो सब तो ठीक है दिया, बट स्टेट चैंपियनशिप मैच तो पहले तेरा एक्चुअल कोर्ट विच खेलना बहुत जरूरी है ताकि तेनू ओदी डायमेंशंस दा पता लग जाए। सर जी पर तुसी तां कहा सी ना कि टेंपरेरी कोर्ट विच प्रैक्टिस करना थोड़ा डिफिकल्ट है, पर उत्थे कीती गई प्रैक्टिस मैनूं रियल कोर्ट विच बैटर परफॉर्मेंस देने विच हेल्प करेगी। ते हुण तुसी अपनी गल तो पलटो ना, असीं उत्थे प्रैक्टिस करांगे। दिया ऐ सब गल्लां मोटिवेशन लई बहुत वधिया लगदियां ने। जो प्रैक्टिस एक्चुअल कोर्ट विच होंदी है ना तदी तुहानूं नेट डिस्टेंस, एयर प्रेशर ते फिक्शन दा पता लगदा है। एक्चुअली मैच तो पहले ऐ सब चीज़ां दा एक्सपीरियंस बहुत मैटर करदा है। सर जी तुसी ये सब सोच रहे हो, मेरे लिए तो घर के हालातों तो लड़न तो बाद व्याह दी प्रॉब्लम्स नू डील करन तो बाद जिहड़ा स्टेट चैंपियनशिप का मैच खेडन मिल रहा है ना, यही बहुत वड्डी गल है। नाले मैं तो अपने आप नू लकी फील करती हाँ कि स्टेट चैंपियनशिप की प्लेयर लिस्ट विच मेरा नाम ऐड हो गया। तो हुण तुसी स्टेट चैंपियनशिप की फाइनल मैच लई मैनू आप कोचिंग दे रहे ने। सर जी तुसी देखना मैं इसी कोर्ट विच बहुत कुछ सीख लांगी। वैसे भी कहिंदे ने गुरु दा काम तो सिर्फ राह दिखाना हुंदा है, राह ते चलना तो स्टूडेंट नू आप ही पैंदा है। इसलिए तुसी टेंशन ना लो, मैं थोड़ी सिखाई हर एक गल नू याद रखांगी ते मैच दे दौरान उस ते अमल भी करांगी। मैं तुहानू बिल्कुल भी निराश नहीं करांगी सर जी। आई होप सो। होर साडे कोल ऑप्शन भी की है दिया।